गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. टुडे वी डिलीवर्ड द लेक्चर ऑन द टॉपिक चैप्टर 1 फोर्स क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड. ऑलरेडी फॉर क्लास 9th वी डिलीवर द लेक्चर 9th सीबीएसई बोर्ड. नाउ वी ऑल्सो स्टार्ट फॉर आईसीएसई बोर्ड फॉर क्लास 10th चैप्टर 1 फोर्स. व्हाट इज द फोर्स? To understand the concept of the force, already in class 9 we have studied about the force, but here you detail understanding about the where the force is applied. Basic student, we understand when you apply the force, किसी भी body पर हम force जब apply करते हैं, तो what happens? क्या होता है? First, या तो उस body का motion change होगा. Second, या उस body का size change होगा. राइट. तो हियर वी कैरेक्टराइज टू टाइप ऑफ बॉडीज, रिजिड बॉडी एंड नॉन रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी एंड नॉन रिजिड बॉडी. व्हेन यू अप्लाई द फोर्स ऑन द रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी मींस सॉलिड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. रिजिड बॉडी मींस सॉलिड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स. व्हेन यू अप्लाई द फोर्स ऑन दिस रिजिड बॉडी, व्हाट हैपेंस? इफ दिस बॉडी मूव्स or we can say if this body now in motion. Motion means already in class 9 we understand motion. What you understand? What is the motion? Motion means जब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजिशन टाइम के साथ चेंज होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजिशन टाइम के साथ चेंज होता है, then we can say that body in motion. अगर इस body का टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं होता है, देन वी कैन से दैट बॉडी इज इन रेस्ट. तो बेसिक कॉन्सेप्ट मोशन मींस जब किसी भी बॉडी का पोजीशन और वी कैन अंडरस्टैंड उसका लोकेशन, यदि वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो देन वी कैन से दैट वो बॉडी मोशन में है. तो जब हम रिजिड बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स अप्लाई करने के कारण क्या होता है? यदि इस बॉडी का मोशन आता है, इस बॉडी का मोशन ड्यू टू दिस फोर्स अकर्स. नाउ सेकंड टॉपिक हियर, नॉन रिजिड बॉडी. नॉन रिजिड बॉडी मींस वी कैन अंडरस्टैंड स्पंज बॉल, रबर बॉल लाइक दैट. जब रबर बॉल को इफ यू अप्लाई द फोर्स, तो व्हाट हैपेंस? उस रबर बॉल का साइज चेंज होगा और मोशन में भी आएगा. राइट. बोथ थिंग्स हैपेंस फॉर द नॉन रिजिड बॉडी. व्हेन यू अप्लाई द फोर्स फॉर नॉन रिजिड बॉडी, इट्स साइज चेंज एंड आल्सो मोशन. मोशन मींस उसका पोजीशन चेंज होगा. उसका पोजीशन यदि चेंज होगा, देन वी कैन से दैट कि वी दिस फोर्स के कारण नॉन रिजिड बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, टू फिनोमेनन अकर्स, साइज चेंज एंड मोशन. Right. Next, force is also defined by physics in technical term. What is that? Force is basically rate of change of linear momentum. What is the linear momentum? Already in class 9 we studied momentum is basically, what is the momentum? Mass into velocity. जब हम force apply कर रहे हैं, तो उस बॉडी में मोशन आ रहा. मोशन आने का मतलब उसका पोजीशन चेंज हो रहा. पोजीशन चेंज होने का मतलब उस बॉडी में वेलोसिटी भी अकर्स करेगा. जब पोजीशन, ऑलरेडी हम लोग वेलोसिटी के डेफिनेशन में क्या करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मीन्स यदि उस बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो उस बॉडी में वेलोसिटी भी आएगा. राइट. जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स अप्लाई के करने के कारण उसका पोजीशन चेंज हो रहा है. पोजीशन चेंज होने के कारण वेलोसिटी उसमें आ रहा है. ड्यू टू दिस वेलोसिटी हियर मोमेंटम अकर्स. तो नाउ इन फिजिक्स यू हैव आल्सो डिफाइंड फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. चेंज ऑफ मोमेंटम मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड? चेंज ऑफ मोमेंटम फाइनल वेलोसिटी mv1 v1 is your final velocity,
m into b1 final momentum minus initial momentum. B0 is your initial velocity. Here change of momentum means final momentum minus initial momentum. In physics, or we can say change means what to understand. In any quantity, change means final minus initial. Here physical term is momentum. Momentum means final momentum minus initial momentum. There is a body ka initial velocity b naught hai or final velocity b1 hai. What is the change of momentum? M b1 minus m b0. So by definition, dp upon dt means what you understand? Dp means change of momentum with respect to time. Change of momentum with respect to time. Or also we define the force is equal to mass into acceleration. If you are here, understand, if I am taking dp upon dt, dp upon dt means what you understand? Dp upon dt means we also here write dv upon dt. Dp upon dt, change of momentum with respect to time, means mass into change of velocity with respect to time. Change of velocity with respect to time. Rate of change of velocity is also called acceleration. Rate of change of velocity is also called acceleration. Now the force is already I am saying that the force equal to rate of change of momentum. Rate of change of momentum is equal to mass into dv upon dt. Rate of change of velocity means acceleration, mass into acceleration. The force is also defined like that. Force equal to mass into acceleration. Now what is the unit of the force? Force unit is Newton, or we can say, what you can say, what is the unit of force definition? Force equal to mass into acceleration. We also write mass, unit of the mass kilogram, acceleration meter per second square. Force is a vector quantity. Why? Acceleration is a vector quantity. Already I am saying that vector quantity means we also define here magnitude and direction. वो भी physical quantity जिसका magnitude और direction हम जब define करते हैं उसको हम vector quantity करते हैं. Here your acceleration is your vector quantity, right? It means acceleration का magnitude और direction हम दोनों define करते हैं. That's why your force is also your vector quantity, right? To first of all you understand the force. Today we discuss the force. What is the force? Force is applied on rigid body and non-rigid body. Rigid body को apply करने से उस body object का motion, body motion में आ जाता है, right? Non-rigid body में जब force apply करते हैं तो non-rigid body का shape, size change होता है और motion में भी आता है. Third here I am defining rate of change of linear momentum, and also here I am defining the unit. SI unit of the force is called to Newton, or we can say also kilogram meter per second square. Here also we discuss what is the momentum, right? Today if you have liked this video, you go to YouTube channel and mere channel ko aap subscribe or like kijiyega. Jadi kuch lecture mein aapko lagta hai ki we change, then you also write on the comment box, so that main apne student ke liye जो भी चेंजेज होगा उसमें मैं अपना मॉडिफिकेशन करके नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर करूंगा. थैंक यू टू एवरीवन.